लहसुन को कभी आग में सेका है क्या? कभी अगर लहसुन को छीलना है तो आग में सेक के देखना, या फिर पुराने पेन का ढक्कन को कभी ऐसे यूज़ किया और झाड़ू के ऊपर प्लास्टिक लगाया। ऐसे बहुत छोटे छोटे टिप्स जो आप रेगुलर फॉलो करके अपने घर के काम को बहुत आसान बना सकते हैं, ऐसा ही कुछ टिप्स आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कभी कभी देखना है ऐसे दूध जो है ना फट जाता है और इसके ऊपर चींटियाँ भी बहुत लग जाता है, तो मैं क्या करूँगी, इस दूध को फेंक नहीं दूँगी, इसको थोड़ा सा विनीगर के साथ अच्छे से खौला लूँगी और खौलाते टाइम ऐसे चलाते रहेंगे। इससे क्या होगा, दूध का जो पानी है ऊपर आ जाएगा और जो छेना है वो नीचे गिर जाएगा। वो जब बिल्कुल खोल जाए तब देखिए, ऐसे खोलने के बाद इसको गैस को बंद कर दीजिए और उसको एक छन्नी के अंदर छान लीजिए। मैंने ऐसे एक छन्नी ले लिया और काम को आसान बनाने के लिए मैंने एक उसके ऊपर कपड़ा रख दिया, और इसका जो पानी है वो भी बहुत अच्छा होता है, तो मैं पानी को फेंकूँगी नहीं। पानी को मैंने इसके अंदर रख दिया और जितने भी गर्म दूध था मैंने सबको इसी के अंदर ऐसे देखिए डाल दिया। इसमें देखिए पानी अलग हो जाएगा और जो छेना माला जो भी आप बोल सकते हो वो जो है नीचे जमा होता जाएगा। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इतना गर्म पानी को कैसे निकालें। जैसे मैंने इसको ऐसे करके रखा है तो जितना भी पानी था नीचे से उतर गया, और मैंने और अच्छे से पानी निचोड़ने के लिए एक ऐसे करके हैंग करके रख दिया। इससे ये होगा सारे पानी निकल जाएगा और आपको बिल्कुल टाइट सा छेना पनीर अब जो भी बोल सकते हो घर पे मिल जाएगा, वो भी आपके फट जाने वाले दूध के साथ। अब दिखाती हूँ मेरा सेकेंड जो चीज़ है। जैसे मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ किचन का प्रोडक्ट, कैप्सिकम का जो बीज होता है वो सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है, उसको पूरा निकालना पड़ता है। उसको निकालने का एक आसान तरीका मैं बता देती हूँ। ऊपर का जो पार्ट होता है ना जिससे वो लगा रहता है, उसको बस एक चाकू के मदद से ऐसे करके खोल दीजिए, और ये क्या होगा पूरा गोल करके ये ऊपर से मतलब अंदर से खोल के आ जाएगा। देखिए ऐसे बिल्कुल आ गया, सारे जो दाने थे आप एक कटोरी के अंदर सारे दाने को ऐसे ही रख लीजिए, तो आपके अंदर का जितने भी दाने थे बिल्कुल साफ़ हो गया। देखिए मैं यहाँ पे आपको काट के भी दिखा रही हूँ कि एक भी दाना नहीं है, और आपका कैप्सिकम का जो अंदर है वो भी साफ़ हो गया, आपका काम भी बहुत आसान हो गया। लहसुन छीलना आप सबके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत कुछ हैक्स हम लोगों ने ट्राई करते रहते, कभी ये हैक्स ट्राई करके देखना। लहसुन जो है उसको एक छन्नी के मदद से ऐसे ही आग के ऊपर थोड़े देर के लिए गर्म कर लेना, जलाना नहीं है बस गर्म करना है, उतना गर्म करना है जितने पे आप हाथ से उसको छील पाएंगे। गर्म करने के बाद गैस को बंद कर दीजिए और जो लहसुन है उसको एक कटोरी के अंदर डाल लीजिए, और अब अगर आप लहसुन को बस ऐसे हाथ से थोड़ा सा मल लेंगे तो देखना सारे जो पील्स है बिल्कुल आसानी से पील ऑफ हो जाएगा और आपके सारे लहसुन जो है बहुत जल्दी छिल जाएगा। ये हैक्स आप कभी ट्राई करके देखना, आपको ज़रूर बहुत मदद होगी। चलिए अब मैं दिखाती हूँ फोर्थ हैक। हम लोगों के पास जब पेन का काली ख़त्म हो जाता है तब क्या करते हैं, हम पेन को फेंक देते हैं। इसका ढक्कन बहुत काम का है, चलिए दिखाती हूँ क्या काम कर सकते हैं इस ढक्कन से, कैसे बहुत काम होता है, लेकिन ये हैक आप ट्राई करके देखना। ये जो पेन का ढक्कन है, एक लंबा सा डंडा ऐसे लेके लोहे का, उसको बस दोनों तरफ से छेद कर लीजिए, और जो चाबी का रिंग होता है जो कभी कभी इधर उधर हो जाता है, मिलता नहीं है या फिर गुम हो जाता है, इसको रखने के लिए बहुत आसान सा एक तरीका बता दे रही हूँ। जो मैंने यहाँ पे होल किया है उसके अंदर से चाबी को ऐसे लगा दीजिए, और इसको आप लगा सकते हैं आपके हस्बैंड के या फिर आपके बच्चे के जो शर्ट का पॉकेट होता है उसके अंदर। चलिए मैं दिखा देती हूँ, ऐसे अगर आप लगा देंगे पॉकेट में तो ये कभी गुम भी नहीं होगा और दिखने में भी लगेगा बस पेन है, तो कभी भी आपके लिए ये ढूंढना नहीं पड़ेगा, मतलब उनका काम आसान हो जाएगा। तो ये हैक आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए, पेन की जो ढक्कन है उसको फेंकने की जगह ऐसे यूज़ करके। कभी कभी ये होता है लौकी जो होता है पूरा यूज़ नहीं होता है, उसको आधा काट के हम लोग रख देते हैं फ्रिज पे, और उससे क्या होता है ये वाला पोर्शन ब्लैक हो जाता है या फिर ख़राब होने लगता है। तो आप ये हैक ज़रूर ट्राई करके देख सकते हैं कि जैसे हम लोगों के घर पे फॉयल पेपर होता है, अगर आपके पास फॉयल पेपर नहीं है तो आप नॉर्मल प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं, बस फॉयल पेपर थोड़ा सा माप करके काट के उसको ही ये लौकी के ऊपर आप अच्छे से रैप करके रख दीजिए,
ऐसे आप अपने आपके घर में अगर कद्दू भी आ रहा है तो भी उसको रख सकते हैं, मतलब कोई भी वेजिटेबल जिसको आप बीच में से कट करते हो ऐसे किसी भी वेजिटेबल को आप ऐसे ही रैप करके रख लीजिए फ्रिज के अंदर, बहुत दिन तक ये सही भी रहेगा और काला भी नहीं पड़ेगा। हम लोगों के सबके पास ही ऐसे बर्तन तो होंगे ही होंगे, इसमें कभी कभी ना ऐसे मार्क आ जाता है, कभी हल्दी का निशान या फिर कुछ गर्म किया उसका जला हुआ पार्ट, तो ये हटते नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया थोड़ा सा बेकिंग सोडा और उसके ऊपर डाल दूँगी विनीगर। देखिए उसको डालने के बाद कैसे एक केमिकल रेडी हुआ है। इसके ऊपर आप बिल्कुल हाथ मत देना क्योंकि आपके हाथ का जो मॉइस्चर होता है वो खो सकता है, आपके हाथ ख़राब हो सकता है, तो ये प्लास्टिक पहन लेना हाथ में या फिर ग्लव्स भी पहन सकते हैं और हल्के हाथों से बस जितना हो सके आप इसके ऊपर हल्के हाथों से ऐसे रबर कर लेना। उसके बाद आपके पास जो तार का जाली होता है ना उसी जाली के मदद से हल्के हाथों से करना है, बहुत जोर नहीं लगाना है, बस इसको घिस लीजिए और घिसने के बाद देखिए ये काला काला टाइप पानी निकल रहा है, मतलब सारे जो डट्स है वो ऐसे ही बाहर आ गया। अब मैं इसको क्लीन करके आपको दिखाती हूँ कि कितना साफ हुआ है। देखिए अगले से जब ये ब्लैक था और अभी बस पानी से ही मैंने धोया है और कुछ भी नहीं किया, साबुन भी नहीं लगाया और हाथ भी मेरा बिल्कुल अच्छा है, कुछ भी हार्डनेस या हार्स पाप नहीं आया है। ये हैक आप ज़रूर फॉलो करके देखना, अपना का सारे बर्तन जो है चमकने लगेंगे। फ्रिज में अगर आप नॉनवेज रखते हैं या फिर नॉर्मल खाना भी रखते हैं तो उसमें बैड स्मेल तो होता ही है, उसको हटाने का एक बहुत आसान सी तरीका बताती हूँ। आप सबके घर में बेकिंग सोडा विनीगर ये सब तो होता ही है, तो आप एक पानी ले लीजिए एक कंटेनर में, उसके ऊपर आप बस बेकिंग सोडा और थोड़ा सा विनीगर मिला के एक घोल रेडी कर लीजिए और इसके अंदर कोई भी कॉटन का कपड़ा को डिप कर दीजिए, पूरा पानी कॉटन का जो कपड़ा है वो सोक कर लेंगे और फिर उसके पानी को आप आपके हाथों के मदद से निचोड़ दीजिए। फिर आपके फ्रिज का जो स्मेल है उसको हटाने के लिए हल्के हाथों से पोंछ दीजिए, देखना फ्रिज के अंदर जितने भी बैड ओडेंट है जितनी भी बैक्टीरियाज है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और फ्रिज के अंदर से भी एक अच्छा सा खुशबू आना शुरू हो जाएगा। ये हैक आप ज़रूर फॉलो करके देखिए, आपको ज़रूर इसका फल मिलेगा। घर के रेगुलर काम के लिए ऐसे छोटे मोटे टूल्स तो हम सबके घर में होता है और ज़रूरत के टाइम पे ये मिलते भी नहीं है क्योंकि हम लोग इसको सही जगह पे रखते नहीं हैं। चलिए इसको रखने के लिए एक ऑर्गेनाइज़र बना लेती हूँ, वो भी पुराने बॉटल से। हम सबके पास ऐसे बॉटल्स तो होते ही हैं, मेरे पास भी था, मैंने बस एक टूल्स को लिया उसका माप ले लिया और उसी हिसाब से बॉटल के बीच में जहाँ पर एंड हो रहा है उसमें एक चाकू की मदद से बस ऐसे ही काट ली हूँ। अगर आपके चाकू से नहीं काट रहा है बस चाकू को थोड़ा सा गर्म लीजिए फिर काटिए, बहुत आसानी से ये कट जाएगा। पूरा मत काटना, थोड़ा सा पार्ट ऐसे खुला हुआ रखना ताकि आपको काम करना आसान हो जाए। फिर इसके अंदर सारे जो टूल्स है उसको रख दीजिए और देखिए आपका काम कितना आसान हो जाएगा। अब ज़रूरत के टाइम पे बस इसको ओपन कीजिए और आपका सामान आपके हाथ में होगा। ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स मेरे चैनल पे मैं बहुत सारे देते रहती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है। अब मैं दिखाती हूँ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स जो फ्रिज में रखा रहता है ऐसे प्लास्टिक में रखा रहता है तो उसके अंदर पानी का कंटेंट जमा हो जाता है, तो आपको करना क्या है, आपको इसके लिए जो शॉपिंग बैग होते हैं जो ज़्यादातर टाइप कॉटन मटेरियल का या कपड़े का होता है उसके अंदर सारे जो ऐसे ग्रीन वेजिटेबल्स है उसको रख देना है। उससे ये होगा जितने भी पानी है ये कॉटन कपड़ा होने की वजह से सोक कर लेगा और आपके वेजिटेबल बहुत दिन तक फ्रेश रहेगा। और झाड़ू के ऊपर देखिए सबको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ये झाड़ू ऊपर से खुल जाता है कुछ दिन बाद ही इसको फेंकना पड़ता है। चलिए आप एक बस एक प्लास्टिक को ऐसे ही झाड़ू के साथ ऐसे बांध दीजिए और आपके घर में आयरन तो होगा ही, आयरन के मदद से बस इस प्लास्टिक को थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए और देखना ये जो झाड़ू है इतने दिन तक अच्छे से रहेगा, कोई भी जो झाड़ू का ऊपर वाला पार्ट है खुलेगा भी नहीं और आपका घर बहुत अच्छे से साफ सफाई भी होता रहेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, होप करती हूँ ये सारे टिप्स आप अपने रेगुलर लाइफ पे यूज़ करके कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर किए होंगे। मैं मिलती हूँ मेरी नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।